अभी हम पहुंच चुके हैं शालादिता, ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है और 60-70% लोगों को इस जगह का नहीं पता, या अगर पता भी है वो इस साइड आई नहीं है। मैंने रास्ते का सारा व्लॉग बना लिया, यहाँ पे हम तकरीबन 40 मिनट हमें लगे। मेरे साथ ये हैं आसिफ साहब मेरे कोलीग, और ये हैं इमरान साहब। हमारा मोखली जो भी टूर लगता है हम तीनों का एक साथ लगता है। अभी हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब यहाँ फैमिली एरिया है और रोड जो है इसकी 80% ठीक है, 20% एक छोटा सा जो सिंगल रोड है वो ख़राब है। मेन इंटरेस्ट जब यहाँ से आते, जिस तरह आप देखते हैं बाइक आ रहा है, बाइक आने के बाद ये है इसका पार्किंग एरिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। और ये जो रोड आ रही है सीधा यहाँ पे, ये है हमारे बाइक्स खड़े होने के बाद, ठीक है, मतलब पहले जो इसकी इंटरेस्ट है वो ये चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पार्किंग के लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के मुकामी लग रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र आपसे दिखा के। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम गुलाम अकबर है। गुलाम अकबर साहब मेरे साथ यहाँ पे है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? ढाबा बनाया। मुझे तकरीबन 30 साल हो गए, अगर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ ना 30-35 साल, और दिल्ली का मुकामी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये शाला दिखा, मतलब यहाँ इस्लामाबाद में कैसी लोकेशन है। सर ये डेरा गड़ियाला हुदा केव्स, इसको बोलते हैं डेरा गड़ियाला हुदा केव्स, शाह लादिता केव्स। सर ये केव्स है, ठीक है, वो चश्मे, ठीक है जी, वो साधु का बाग है, ये तीनों मिला के ये पहला पॉइंट है सर। ठीक है, ठीक है जी। एक इधर स्टॉप है सर, ठीक है, उसका रास्ता जो वो पहाड़ के साथ साथ पैदल रास्ता है, 40 मिनट लगते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये गाड़ी का रास्ता है, ऊपर 3.5 किलोमीटर ऊपर बावली कुआँ है सर, कुआँ है वहाँ पे जी, 100 सीढ़ी पानी के अंदर जाती है। 3 पॉइंट है सर इधर, बकाया पहाड़ है, व्यू है, मतलब यहाँ पे आने के जो मेन चीज़ है एक तो केव है, केव्स है, ठीक है, वो साधु का पहाड़ है, और ये चश्मे सर, ये तीनों मिला के ये पहला पॉइंट, मेन पॉइंट ये है सर। ठीक है, जो फैमिली वगैरह आती है जी जी जी, सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है आने का? जिस तरह अभी जनवरी चल रहा है तो अभी कौन सा सबसे अच्छा? सर ये 2-3 महीने होते हैं, ठीक है जी, 11वां 12वां और पहला, ठीक है, ये अच्छा मौसम होता है, मतलब नवंबर से जनवरी के आने का बेस्ट टाइम होता है जी सर। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है, मतलब एक तो आपने बता दिया ये करने के द्वारा जी जी, लेकिन जी यहाँ पे और ये अंदर इसके अंदर भी है, मतलब सर अंदर जाती थी तो अभी जब से ये 3 मिनट में जो आए हैं ना सीडीओ और स्टाफ, ठीक है, एक महकमा वो है, वो कब्जा कर रहे हैं, वो इसको प्रॉपर बंद कर रहे हैं सर, बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सारे तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये देखो ना ये कैसा माहौल कर दिया है, छीन रहे हैं हर चीज, छीन रहे हैं, साधु का बाग इधर था, ठीक है, वो भी छीन के। अच्छा यहाँ पे आप बता रहे थे, मतलब एक तो आपने बता दिया केव्स है, दूसरा यहाँ पे जिप लाइन है जी जी, ठीक है जी, यहाँ पे भी जिप लाइन है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उसके कितने चार्जेस हैं। जिप लाइन सर उसके चार्ज जो है ना 7 सेकंड के लेते हैं 1100 रुपया, 7 सेकंड के 1100 रुपया ले रहे हैं जी जी है। तो हम लोग हैं, हम तो इधर रस्सी के झूले लगाए हुए हैं, वो बैठता है तो दे जाएगा, तो 100 बिस्मिल्लाह नहीं तो हम सफाइयाँ करते हैं, मेहमान आते हैं वेलकम करते हैं। 1100 रुपये चार्जेस हैं जी जी। एक डिफरेंट सी चीज़ है, मैं आपको वो एक्टिविटी बताऊँगा कि जिप लाइन यहाँ पे क्या है, और एक जिप लाइन हो गया, एक केव्स हो गए, और उनका यहाँ पे ढाबा है जी सर, और आइए आपको ढाबा में लेके चलते हैं कि ढाबा में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके बाद मैं आपको केव्स दिखाता हूँ। आए सर ऊपर ही आ जाए सर, हमारे पास चाय होती है, पकौड़े होते हैं, फ्राइज होते हैं, काफ़ी होती है, कश्मीरी चाय, सरसों का साग, मक्की की रोटी, पराठे, आमलेट। अच्छा यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए? जी, जी सर, चिकन कढ़ाई, फिश मिलेगी। अच्छा यहाँ पे फिश भी अवेलेबल है? जी जी, मतलब ये इनका ढाबा है। आपका नाम तो आपने क्या बताया? जी मेरा नाम गुलाम अकबर है सर। ये गुलाम अकबर साहब का ढाबा है, अभी मैं आपको ढाबे के अंदर दिखाता हूँ, मतलब खाने पीने की जो है हर एक्टिविटी है सर, हर चीज़ जो है फ्रेश बना के देती है।
यहाँ पे अभी गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। हर चीज जो है सर, बना के कुछ भी नहीं रखा होता, हर चीज फ्रेश बनाते हैं। हम कहते हैं मेहमान आए, वेलकम करते हैं। ये है जी ढाबा, मतलब यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पिए, और मौसम की मुनासिबत से जैसे भी बड़ा सामने धूप आ रही है, सामने आप व्यू देखें, यहाँ बैठ के अगर आप चाय पिए, पकौड़े खाएं या खाना खाएं, आपको अपना ही मज़ा आएगा। ये देखें जी, आप केव के अंदर ही इन्होंने ढाबा में ये बैठने की जगह बनाई हुई है। यहाँ पर लाइट नहीं है, अच्छा ये इनकी लाइट का इंतजाम है, लेकिन इस टाइम लाइट ऑन नहीं की है। अच्छा पंखा भी है, ज़बरदस्त, ऐसे बड़ी यूनिक सी है। और वो ये कर ले आए, ये उन्होंने ढाबे में ना बनाया हुआ है। हां हां चल आए आगे, केव यार कोई बड़ी ही देख साइड नहीं इतनी देर साइड। ये दरख्त जो सामने देख रहे हैं ना, ये कहते हैं 5000 साल पुराना है। कौन सा? ये जो सामने दरख्त है, ये हां जी कोई मजा ना। और आपको पता है आगे आगे जो है ना एक कुएं, वो कहते हैं आगे कुएं, और वो कहते हैं के नीचे सीढ़ियां जिस तरह हो रही है। आपने कहां देखी है? आपने कहां देखी है? अच्छा 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 इतने ही बने उधर पहला लगा थी। ये है जी नारियल केक, बड़ी यूनिक सी चीज है। आपने मतलब यहाँ पे एक तो केव्स होगी, एक यहाँ पे जो है जिप लाइन है, रेस्टोरेंट है, आपने जिप लाइन लिए अभी? अच्छा, और फैमिली साथ आए मेरे ख्याल से। जिस बाग को सैराब करता था वो दो चश्मे उस साइड पर हैं जो भी समझो नकारा जा रहे हैं, और आसानी से आ सकते हैं क्योंकि हम तो वो सारे दादा हमें भेजते थे, हम सारी सफाई करते थे। वो पूरा नाला बना हुआ है पुराने वक्तों का ना, इस ये आम का जो दरख्त है इसके नीचे तालाब होता था बाकायदा, वो फिर जब फुल भर जाता था हम दादा के साथ पूरे बाग को पानी लगाते थे। अब वो नहीं है वो चीज़? ना ना, वो किधर, काट दिया ना सारा, ख़त्म कर, हालांकि दोबारा सर बन सकता है ना, कोई इतना मुश्किल। अभी मेरे जो सामने देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं अभी एंडिंग पॉइंट में खड़ा हूँ। इसके चार्जेस हैं 700, मतलब एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है। मतलब जो जिसने सवात में मालूम जब्बा का एक्सपीरियंस नहीं किया वो यहाँ आके ये एक्सपीरियंस कर सकता है। ज़िंदगी में एक दफ़ा हर एक्टिविटी लाजमी करें ताकि आपको कभी किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो। अभी आप सामने देख रहे हैं, वहाँ से भी आने लगे हैं और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखें जी वो हो गए हैं रेडी। ये आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है लिप लाइन, व्हाट अ डेयरिंग मूवमेंट।